ये कह रहे मैंने नहीं वीडियो बनानी, मेरा जमीर गवारा नहीं कर रहा, मैंने नेट पे नहीं जाना, मैंने आपको बन कर यार, इससे बन करो, चलने दे। नहीं नहीं बन करो इससे, नहीं जमास लड़ वही भाई जो था वो मौके पे फोत हो गए, और मैं जो था मैं भी कम से कम अस्पताल में 13 दिन पड़ा रहा, तो 13 दिन के बाद होश मुझे आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमिर और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। नाज़रीन, पठान दुनिया की बड़ी बहादुर और दिलेर कौम है, गैरतमंद कौम है, लेकिन आज मैं एक ऐसी फैमिली के पास बैठा हूँ जिनकी बेबसी मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मेरे साथ इस वक्त एक भाई हैं जो दोनों हाथों से मेहनत करके कमाने पर यकीन रखते थे, लेकिन आज वो चल फिर नहीं सकते। इनकी बहन मेरे सामने बैठी है, इनके शौहर ने इनको छोड़ दिया। जो इस घर पे क़यामत टूटी और किस तरह ये घर बिखरता जा रहा है, हम आपको ये भी बताएंगे, और किस तरह ये शख्स आज व्हील चेयर पर बैठा है, इन्हीं की ज़ुबानी इनसे जानती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई जान, क्या नाम है आप? मोहम्मद उमर। उमर, मुझे आप ये बताएं कि आप व्हील चेयर पर बैठे हैं, हमें पता चला पहले मेहनत मजदूरी करते थे, क्या वजह बनी? मेरे पहाड़ी से स्लाइड हुए तो वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, पहाड़ी से नीचे गिरा था, तो हम दो भाई थे स्लाइडिंग, यानी कि वो एक भाई जो था वो मौके पे फोत हो गए, और मैं जो था मैं भी कम से कम अस्पताल में 13 दिन पड़ा रहा था, तो 13 दिन के बाद होश मुझे आया कि मैं अस्पताल में था, तो उसके बाद वो मुझे घर ले आए, मेरा इलाज वगैरह बाबा किए, बहुत ज़्यादा किए इन घर वालों ने मेरा इलाज, तो अब इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं है तो हम इलाज करें, तो अब यानी कि नहीं हो सकता, अभी इलाज रह गया हमारा। अच्छा, आपके सामने लोग चलते फिरते हैं, मेहनत मजदूरी करती हैं, आप चारपाई पे हैं, चल नहीं सकते, पैसे की वजह से आपका इलाज नहीं हो रहा, क्या महसूस करते हैं? यार मुझसे बर्दाश्त नहीं होता उन लोगों को, देखो तो मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, तो बंद कर यार इससे, बंद करो, चलने दे। नहीं नहीं बंद करो इससे, नहीं जमा जड़ा ना गाड़ी दा जमा ज़मीर ना मारी जमन खपल रु ना माता ता मख के मख्किम मरते वे जी वीडियो ना जोड़ो बदा मंगा से जमंग मजाक जोड़ी की दा क्या कह रहे ये कह रहे मैंने नहीं वीडियो बनानी, मेरा जमीर गवारा नहीं कर रहा, मैंने नेट पे नहीं जाना, मैंने आपको भी नहीं लेकर जाना, मैं इसे कह दूं कोई नहीं, जो आप हमारे कौम के होंगे हमारी बिलादरी को, वो तो आपकी मदद हेल्प करेंगे, भाई ये कह रहा है। नाज़रीन, मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि ये बड़ी खुददार कौम है, बहादुर दिलेर, दुनिया की अगर टॉप के आप इंसान देखें ना, खान का हर नाम में शुमार होगा, लेकिन अब देखें कि इनका ज़मीन गवारा नहीं करा, बड़ा हमने पहले फोर्स किया, बड़ा मजबूर किया, कुछ लोगों को हमने कहा कि हम चाहते हैं कि इस भाई का इलाज हो जाए, लोग इलाज करवाते हैं अल्लाह के वास्ते, मुसीबत किसी पर भी आ सकती है, लेकिन ये बहन नहीं मान रही थी, बड़ी मुश्किल से हमने इनको एग्री किया, लेकिन आज इनके भाई, इंसान को फील होता है जो गैरतमंद है ना, वो चाहता है कि यार मैं किसी का के हाथ ना करूं, लेकिन मुसीबत किसी पे भी आती है, आपके सामने असद अब्बास का किस्सा था, तो अल्लाह ना करे कि किसी पे मुसीबत आए, जब मुसीबत आए तो फिर मुसलमान बहन भाई हम हर किसी के साथ खड़े होते हैं। अच्छा बहन, मुझे आप ये बताएं, आप भाई तो बात नहीं करना चाह रही, अब इनका इलाज नहीं हो पा रहा, आप हमें पता चला शोहर ने आपको भी छोड़ दिया, क्या वजह है? भाई शोर ने तो मुझे इसलिए छोड़ा है कि वो कहता था कि भाई की देखभाल ना करें, बच्चों पे तवज्जो दे, घर पे दे, मुझ पे दे, मेरा भाई है मैं तो इसे नहीं छोड़ सकता, मेरी यहाँ 2 बेटियाँ, 1 बेटा, 3 बच्चे, मेरे खावन ने इस भाई के लिए मुझे छोड़ दिया, मुझे डिवोर्स दे दिया, मैं खुद लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करती हूँ, पर मुझसे भाई का इलाज तो नहीं होता, ये घर किराए का है, मैं न जाने कैसे मुश्किल से किराया देती हूँ, बिल देती हूँ, बच्चों के लिए रिजक पैदा करके लाती हूँ, अक्सर घर में राशन नहीं होता, अक्सर हमको घर से कुछ नहीं मिलता, हम जिधर काम करते हैं उधर से कुछ रोटी कुछ खाना कुछ मिलता है, तो मैं बच्चों को भी ला कर देती हूँ, भाई को भी ला कर देती हूँ, हमारे इतने हालात ख़राब है। आप बहन भाई हैं? हम दोनों बहन भाई भी हैं, और हमसे छोटी एक हमारी बहन भी है जिसकी हमने शादी करनी है, वो जेज की वजह से घर पर ही बैठी है, आजकल ऐसे दौर जा रहा है कि बेटी के साथ जेज ना हो तो कोई रिश्ता भी नहीं लेता, उनकी वजह से भी हम दोनों बहन भाई परेशान हैं, हमने उनकी भी शादी करनी है, और ये भाई मेरी वजह से भी परेशान है कि मेरी बहन घर पे आ गई, इसे तलाक मिल गई, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर को संभालें, मुझे संभालें, क्या करें? अच्छा, तो आप इनको कहीं टेस्ट वगैरह चेक वगैरह करवाया?
भाई हमने काफी अस्पतालों में चेकअप भी कराया, टेस्ट, इसके इलाज के लिए पैसे बहुत ज्यादा मांगते हैं। मैक्सिमम कितना खर्च? ज्यादा मांगते हैं, तकरीबन 8-10 लाख हो तो फिर इलाज हो सकता है। ज्यादा लोग तो अस्पतालों में डॉक्टर ये कहते हैं कि इसका इलाज यहाँ हो भी नहीं सकता, यूरोप में इसका इलाज होगा, कोई कहाँ बताता, कोई खुदा जानता है कहाँ इस भाई की कटी जाएगी और कहाँ इसका इलाज होगा, हमें ये भी नहीं पता। अभी आपका एक भाई व्हील चेयर पे है, बहन की अपनी शादी करनी है, किराए का घर है, बच्चे भी है, तो कैसे निज़ाम चलता है भाई? बहुत मुश्किल से चलता है। मैं खुद लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करती हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया कि वहाँ से कोई मदद हेल्प मिलती है तो मैं घर पर लाती हूँ, वरना कुछ भी नहीं होता। कभी कभी हम भूखे भी सो जाते हैं, बच्चे भी, मैं भी, ये भी, भाई भी, सब ऐसे मुश्किल हालात हैं। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि पठान कौम दुनिया की वो वाहद कौम है जिसने हर चीज़ को फतह किया, लेकिन आज बहन अपने भाई की देखभाल के लिए, इलाज के लिए अपना घर छोड़ के बैठी है, शोहर ने छोड़ दिया। एक जवान बहन है जिसकी इसने शादी करनी है, अपने भी बच्चे हैं, बड़ी बहादुरी के साथ ये बहन मुकाबला करी हालात का, लेकिन हमें जब पता चला कि बड़ी फोर्स के साथ हम इनको मीडिया पर लेके आए हैं। तो इंशाल्लाह मुसलमान बहन भाई तामुन करते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए, ये किसी पे एहसान नहीं होता, मुसीबत किसी पे भी आ सकती है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, आपने बहन की शादी के बारे में हमें पता चला, वो रिश्ता वगैरह नहीं आता? भाई रिश्ते काफ़ी आते हैं, पर हम बाहर रिश्ता नहीं करते, हम ये चाहते हैं कि हमारे ख़ानदान में, हमारी बिरादरी में रिश्ता हो, हम बाहर रिश्ते भी नहीं देते। हमने करना है तो अपनी बिरादरी अपने ख़ानदान में करेंगे। आते हैं पर जो बाज़े ये हैं कि हमारी औलाद देख के रिश्ता भी नहीं पसंद करते, कि आज का लालची दौर है, वो सोचते हैं इन्होंने बेटी को क्या देना, कुछ भी नहीं देना, बस कोई राज़ी हो जाते हैं, कोई नहीं होता, ऐसे बात है। नाज़रीन, ये देख लें कि एक बहन की शादी करनी है, जे इसका सामान बनाएं, भाई का इलाज करवाएं, अपने बच्चों को पालें, घर का किराया दे, बिजली का बिल दे, क्या दे? ये बहुत खुददार बहन है, बड़ी मेहनती है, अपने भाई से बड़ा प्यार करती है, अपनी बहन से, अपने बच्चों से बड़ा प्यार करती है, तो बड़ी मजबूर हमने इनको किया कि आप मीडिया पे आए, इंशाल्लाह मुसलमान बहन भाई आपकी मदद करेंगे, आपके भाई का इलाज हो जाएगा। हमने सिर्फ इन्हें इतना फोर्स किया कि हम आपके भाई का इलाज करवाएँगे, लोग आपकी मदद करेंगे, आपका भाई अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा, फिर इस बहन ने मीडिया पर आने का फ़ैसला किया और आज भी भाई नहीं माने थे, लेकिन हमारे फोर्स के बाद भी अब वो बात मज़ीद नहीं करना चाह रहे। अच्छा, मुझे मज़ीद हम बात नहीं करेंगे, आपके भाई भी शायद अच्छा नहीं उनको लग रहा। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा आपका इलाज करवाना चाहता है आपके भाई का, या आप वैसी मेहनत कर रही है, आपके घर का निज़ाम बड़ा मुश्किल है, या आपने अपनी बहन की शादी करनी है, वो हमारी भी बहन है, देखने वालों की भी बहन है, अगर कोई उनका सामान का खर्चा देना चाहे, शादी आपने अपनों में करनी है, अगर उससे हवाले से कोई आपकी मदद करना चाहिए आपके भाई के हवाले से, तो आपके पास कोई फ़ोन नंबर वगैरह है? जी बिल्कुल है, नंबर बता दें। नाज़रीन, ये इनका नंबर है, वो बकायदा आपको वीडियो में मिल जाएगा। हम भाई की हालत देख रहे हैं, ये हमारे भाई हैं, इंशाल्लाह ये अपने पाँव पे खड़े होंगे और ख़ुद मेहनत करके अपना घर चलाएंगे। हम इसी वजह से ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे, अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए चाहती हैं कि इस भाई की इलाज हो जाए, ये बहन अपने घर की हो जाए, हो अपने बच्चों की लिए कमाएँ, ये भाई भी अपना घर चलाए, अपनी बहन की शादी कर सके, तो खुदारा पठान कौम, मैंने पहले भी कहा था, दुनिया की बहादुर, दिलेर और खुददार कौम है। बड़ा मजबूर करके हम इनको मीडिया पे ले आए हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, खुदारा इस बहन की अपनी बहन समझ के मदद करें, ताकि ये अपने भाई का इलाज करवा सके और इस मुसीबत में, महंगाई के दौर में, इनके घर का निज़ाम चल सके, ये अपने भाई का इलाज करवा सके और अपनी बहन का जो इनके ऊपर एक फ़र्ज़ है ना, वो अदा कर सके। तो अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएगा, इस पर मदद करके जितनी भी आप कर सकते हैं, और अगर आप इनकी मदद नहीं कर सकते तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, शायद आपकी वीडियो शेयर करने से कोई साहिबी हसीयत देखता है, वो इस भाई का इलाज करवा दे, ताकि इनका घर खुशियों की तरफ वापस लौट सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।